हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। अज दा जिहड़ा ब्लॉग है, मॉर्निंग दा टाइम है। हुण मॉर्निंग दा नहीं, दुपहर दे नेड़े टाइम है, 11:30 हो गए। ते मींह कल पै के हटिआ सी, तुहानूं पता ही है जी, नुकसान ते नुकसान, नुकसान ते नुकसान जदों होण लग जे। ते अपनी उधरले घर वाली है जिहड़ी, कंध डिग पई जी। मतलब वो ढहण वाली सीगी कुछ टाइम पहलां दी, ते पर उधर बरांडा पाया सी बसों वाला, वो आपां उधेड़ता सी। उदों उधेड़ता सी, वो कंध दे विच ना कुछ फाल्ट ही इस तरह दा सी वी उहना गिरना ही सी। इक्के दम है जिहड़ी कंध डिगी, इन्ना ज्यादा खड़का होया ना भी जिवें बिजली डिगी हुंदी आ। फिर असीं उधर गए ते देखिआ जदों ते बाहरी डिग पई कंध, कंध डिग पई जी। उधरली हुण की कर सकदे, मिस्त्री लाउणा पऊ, कढाउणी पऊगी कंध वी। मतलब जे ना डिगदी तां मतलब चलो फिर सर जांदा, पर डिग पई। हजे मतलब रोटी वी नहीं असीं खाधी, ते कल शाम जदों मैं पकौड़े बणाए सी ना, मैनूं लगदा सी वी सिलेंडर मुकूगा। ते साडा जिहड़ा दूजा वी, दो ढोल हैगे घरे, पर जिहड़ा दूजा सिलेंडर आ उह वी भराउण वाला गा। ते मतलब साडे पिंड च इत्थे मतलब ਨੇੜੇ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਫ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਮੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਹਰਦੇ ਪਾਪਾ ਹਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲ, ਮਤਲਬ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਸਤਰੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਧ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊ ਘਰੇ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਲਿਆਉਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੂਡ ਆਫ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉੱਧਰਲੇ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਟਾ ਉੱਟਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਈ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ, ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਹਰ जे उठा दी सारी ईटे यहां से, जे तो बहुत ही खतरनाक तरीके से गिर पड़ी, जे तो बहुत खतरनाक तरीके से गिरी थी। आवाज बहुत ज्यादा आई इसकी, मतलब ऐसे उधर तक सुनाई दी। तो बच्ची नहीं आती, परमात्मा कोई चारा ही थे, हमारे कोई बच्चे नहीं आती, इधर जाती नहीं है। कभी जे 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 ना गिर पड़े, जे तो नहीं गिरेगा, नहीं, इसको मिस्त्री लगा देंगे हम कल तक। जी मिट्टी की बनेगी, नीचे नीचे जो इसका लेंटर लगेगा ना, जो लगाते हुए इसकी मजबूती हो जाए, वो सीमेंट में लग जाएगी, बजरी सीमेंट में। और जल्दी बन जाएगी, हाँ जल्दी बन जाएगी। तो फिर जो पहले भी ऐसी थी, तो अभी चलो वो तो कोई बात नहीं, मिस्त्री लग जाएगा, क्योंकि आज तो सभी मिस्त्री चले गए होंगे अपने काम पे, तो कल सुबह मिलेगा। कल भी सुबह मिल जाए मिस्त्री, तो फिर वो एक ही दिन में इसको निकाल देंगे पूरी। हाँ तो अभी जय शुक्र मनाओ कि आपका चूल्हा भी है जहाँ से टूट गया, वो भी गया। किधर आ, ठीक नहीं है जो सीमेंट का क्या? अच्छा ईटों का बनाया आपने, ईटों का इस पर मिट्टी लगा दी। हाँ वैसे सही बना है, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा बना लिया, क्योंकि जो सेक लगेगा ना किसी बर्तन को, फिर ज्यादा चाहिए होगी लकड़ी इसमें। वैसे मेरे पास तो मिट्टी का, मैं अपने नान के घर जाती हूँ, तो वहाँ से मेरी नानी से लेके आती हूँ। नहीं पता, टूट जू नहीं ये देख रहा सही। ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚੌੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇਂਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗ ਚਲੋ, ਕਹੀਂ ਸਕਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਛੱਤ ਨਾ। ਤੋ ਇਨਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੋ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਂ लगा तो धीरे से दीदी, फिर इधर गिर गया, इधर 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 जहाँ से बच्चे गुजरे, जहाँ शुक्र है आप नहीं बैठे थे कुछ बनाने के लिए। इधर नहीं कोई गिरी, इतनी सी सारे बाल, कोई हम बैठे हो तो कोई नहीं आता दिक्कत। हाँ लेकिन फिर भी अगर कोई होता, वो उधर उधर तरफ गई ना, वो उसका झुकाव था या उस तरफ था दीवार का, तो वो इसलिए उसी तरफ गई। फिर मैंने आपको बताया था ना जे गिरने वाली है, इसको बस अभी सोच रहे थे मिस्त्री लगाने का, तो अभी जो कल मीं पड़ा ना, इतना ज्यादा बारिश हुई है उसकी वजह से, हाँ उसकी वो नीचे पानी भर गया इसकी जो वो होती है ना। हाँ हाँ हमारे जहाँ है ना, जो जो हमारा इधरला मकान,
वो उसमें पानी नहीं जाता, वो बहुत ऊंचा है, तो इधर है तो फिर जो थोड़ा नीमा आ जाता तो इधर पानी आ जाता है इसलिए। हाँ तो आप मुझे वो तो सिखा दो, पापड़ तो बता दो किस दिन बनाओगे। अभी नहीं बना रहे, तभी मैं सूजी मंगवाऊंगी सामान। हाँ तो मुझे बता देना उसमें और कौन कौन सी चीजें पड़ती हैं। अकेली सूजी बस तो वो बना। नहीं तुसी दसो जरा डायलॉग बोलिया सी, कैमरे च दसो पहला। कैमरे च किसी गल नहीं। नहीं तां वी दोबारा एक डायलॉग बोल रहे सी जी, वी उधर अपनी जिहड़ी कंध डिगी है ना ओहदे नाल संबंधित सीगा, इह तुहानूं दस्सणगी खुद ही। बोलो तुसी यार इधर हो, तुहानूं उहनां ने करने की आखणा, ओह पता की आखणगे, आखणगे एक दिन पहले तो यार गेट गिर गया, दूसरे दिन बारिश आई पानी भर गया, तीसरे दिन कंध गिर गई। कहणगे यहां से भाग चलो यार, कहीं सत भी ना गिर जाए। नहीं मैं पता की है, वो ऐसा तो सोचेंगे ला मैं भी हिंदी बोलने लग गया कि यार मेरे आदत पैगी, मैं 5 मिनट ना गल्ला मारया मैं उधर जाके तो फिर मैं इनू मतलब आदत पै जांदी है हिंदी बोलन दी। आखणगे बेचारे आखणगे पहले दिन गेट डिग पिया, दूजे दिन पानी भर गया, हुण तीजे दिन हुण कंध डिग पई। ए तां कुदरती आ उहो आ हुण हो गया, मतलब जिहड़ा नुकसान होणा सी। हां कुदरती मुसीबतां हणा, ए तू घसी जांदे चाबी लाई हुंदी आ ना ਉਧਰਲੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਆਗੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। हां मीनू उड़ीक के फिर ही मिस्त्री लगूगा। वैसे मैं कल का कहती थी पर मैं समान भी अजे सुटना पेगा, मैंने पूछती सी मिट्टी ची, मैं मिट्टी ची निकलूगी है ना, तो पहले भी मिट्टी चीगी तो बस जी उधर अपनी डिग पी कंध हूँ होर की बोल के डिगनी सी, तो पर आए भी चलो बचा हो गया। वो भी शुक्र है उत्थे चुल्हा रखा हों, चुल्हा नेड़े है नहीं सी, चलो 60 फीट तो बच के चल कंध डिगण वाली तो डिग गई, वो तो कढ़ा दें कोई एड्डी वड्डी गल नहीं। वैसे मजाक कर लग गए उन्होंने, ये मजाक करी जाते थे इधर भी ए सोचते हो गए है ना, कई बार अगले दिमाग च गल आई नहीं, साडे दिमाग च तो आ ही गई, उन्होंने तो भाव बाद आए तो किराएदार उधर बैठे है। वैसे हसी हसी मजाक करी जाते जी, आप मकान अपना बिल्कुल पूरा पक्का है, सारे फर्श लगी है बहुत वधिया, कल्ला वह जो अपना फ्रंट से पशुआ वाला बरांडा हुंदा सी उधरले घरे, वो पुराना घर है छोटा, तो उधर पशुआ वाला बरांडा हुंदा सी, वह बरांडा आप देड़ता सीगा, तो वह देड़ने समय कुछ वह प्रॉब्लम सी इस करके जी कंध फिर वह गिरदी गिरदी भी मतलब कुछ त्रेड़ा पैंदियां जी, कल मीह पिया इन्ना ज्यादा बस वो वजह कारण नीचे पानी भर गया, तो एकदम ही डिग भी, एकदम ही डिग भी परले पासे नूं झुका सी, परले पासे नूं डिग भी। तो चलो जी हम चाह का टाइम हो गया, 2:30 बज गए, तो असं चाह करते अच्छे सारा दिन साडा आई लंघ गया, पहला सिलेंडर मुक् गया, सिलेंडर भरा के लिया, फिर असी रोटी बनाई खाधी, फिर मैं झाड़ू पोचा लाने लग गई, झाड़ू तो मैं पहले लगाता सी, कल्ला रसोई की सफाई रह गई थी, तो कपड़े कुपड़े धोते आप नहाते हरफ नूं नमाया, कल्ला हरफ नूं पढ़ाउणा है जे रिविजन करवानी है, तो बाकी हुण असीं चाह करदे हां, बस 2:30 बज गए, 2:30 वाली चाह पीने हैं जी। हुण हरप की गल भी सुन लो, मैनूं कदों दा कही जांदा मम्मा मेरे फेस ते कैमरा ला ते मैं कुछ दसना है, पता नहीं कुछ कहना है, दस बोल। आई बी हियर अंडर पानी पल्ला, हां आई डिग कट फाकी हीरा। जे दोबारे नहीं आ गया? नहीं हां मिट्टी वाली होर की है बस।